गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इबाव एजुकेशन पार्ट में। चलिए क्वेश्चन कहाँ तक देख लेते हैं। फोर तक कंप्लीट हो गया था, जो फाइंड द प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला था, ठीक है। अब देखिए फैक्टराइज करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इस टाइप में दिया हुआ था और इस टाइप में लाना था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है फाइव से, कि इस फॉर्म में दिया हुआ इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए इसमें घबराना नहीं है, तो चलिए देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला ही क्या बोलता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, मतलब जितने भी तीन टर्म इसमें होंगे जो किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 125 किसका क्यूब बन रहा है, 5 का। बी क्यूब किसका क्यूब बन रहा है, बी का। 64 किसका क्यूब बन रहा है, 4 का। तो चलिए यहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए 5 का क्यूब 125 और a का क्यूब 1 क्यूब, प्लस b किसका क्यूब है, b का ही क्यूब है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, b का पावर क्यूब, प्लस 64 किसका क्यूब है, 4 का, और c क्यूब किसका क्यूब है, c का। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस, माइनस यहाँ भी है तो माइनस 3, फॉर्मूला है ना माइनस 3, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कहने का मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का मल्टीपल। तो फर्स्ट में क्या x है ना, तो x में क्या 5a है, तो यहाँ पे 5a गुना b मतलब y मतलब b, तो यहाँ पे b है, और इंटू c मतलब z मतलब 4c है, तो यहाँ पे 4c। देखिए आपका और फिर क्या हो गया, इस टाइप में आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, गुना करके देखिए 5 3 15 15 4 60, माइनस में ए बी सी इस फॉर्म में आ गया, स्प्लिट हो गया। अब इसके इक्वल में जो वैल्यू आता है उसको आप पुट कीजिए। तो चलिए देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, इस टाइप में है ना क्वेश्चन, इस टाइप में लाना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड मतलब पहले क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो x प्लस मतलब 5a प्लस y मतलब b प्लस c मतलब 4c, ये हो गया। फिर इसका होल स्क्वायर देखिए है ना, इसी का होल स्क्वायर, तीनों का ही बताए थे पिछले वीडियो में, बताए थे कि इसका ही तीनों का यहाँ पे होल स्क्वायर होता, चेंज नहीं होता। तो 5a का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 5a का होल स्क्वायर प्लस b है तो b का होल स्क्वायर प्लस 4c है तो 4c का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस xy मतलब फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल। तो फर्स्ट में क्या है आपका 5a है और इंटू सेकंड में आपका b है। फिर माइनस yz मतलब सेकंड और थर्ड, तो सेकंड में आपका b है और थर्ड में आपका 4c है। फिर माइनस zx मतलब थर्ड और फर्स्ट, तो थर्ड में आपका 4c है, 4c और इंटू फर्स्ट में आपका 5a है, 5a, बस ये आपका हो गया। अब इसे स्प्लिट, अब इसे मतलब मल्टीप्लाई करके जो आ रहा हुआ आपका आंसर, तो आपका हो जाएगा 5a प्लस b प्लस 4c, ये आपका 5a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर 16c स्क्वायर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो माइनस 5a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा माइनस 5ab। फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका b में 4c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4bc। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 5 में 4 से तो माइनस 20, और सी नहीं एसी लिखेंगे अल्फाबेटिकल लेटर, ये आपका हो गया कंप्लीट। इस टर्म में आपका आ गया ये टर्म में, ठीक है। इसका पहले 4 1 से 4 तक क्वेश्चन था, इस टर्म में दिया हुआ था, इस टर्म में लाना था। अब क्या है, इस टर्म में है, इस टर्म में लाना, उसी तरह से सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो 6 नंबर भी देखिए, 6 नंबर भी क्या बोल रहा है, इसको देखिए रेड पेन से बनाते हैं। 6 नंबर आपका है ए क्यू प्लस 8bq प्लस 64c³ माइनस 24, जिस तरह से ये बनाया उसी तरह से। यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, तीन का, यहाँ पे तीन नंबर का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। देखिए ए क्यूब किसका क्यूब है, तो यहाँ पे ए का ही क्यूब है, तो यहाँ पे कर सकते हैं ए का क्यूब प्लस 8bq किसका क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का, bq किसका, b का, तो यहाँ पर 2b का होल क्यूब प्लस 64 किसका है, 4 का, c³ किसका, c का, तो आपका 4c का होल क्यूब, ये आपका हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फिर माइनस 3, तो माइनस 3 फार्मूला से लिखें। फिर एक्स वाई जेड मतलब फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मल्टीपल। तो फर्स्ट में आपका क्या है 3a गुना b के यहाँ पे 2b और गुना c के यहाँ पे 4c। तो अब देखिए, तो इसके देखिए गुना करके 3 × 6 6 × 24 abc माइनस में है। तो अब देखिए इसके इक्वल में इस टाइप में लाना है, तो क्या बोलता है इसके इक्वल में, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x के यहाँ पे मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, a है,
प्लस वाई, वाई के जगह आपका टू बी है, प्लस जेड, जेड के जगह आपका फोर सी है, ये आपका हुआ। फिर बोलता है इसी का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करिए, तो ए ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मतलब टू बी, तो टू बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड मतलब फोर सी का स्क्वायर। फिर माइनस एक्स वाई, एक्स वाई है ना, देखिए तो माइनस एक्स वाई, एक्स वाई कहने का मतलब कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू टू बी। फिर माइनस वाई जेड, वाई जेड मतलब सेकंड और थर्ड, तो सेकंड में कितना है टू बी और इंटू थर्ड में आपका फोर सी है। फिर वाई जेड हो गया, फिर प्लस माइनस जेड एक्स, माइनस जेड एक्स, जेड एक्स मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पे फोर सी और इंटू ए, ये आपका हुआ। तो चलिए देखिए, तो ये आपका हो गया a प्लस टू बी प्लस फोर सी, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर, फिर प्लस टू बी का स्क्वायर फोर बी स्क्वायर, प्लस फोर सी का स्क्वायर सिक्सटीन सी स्क्वायर, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू ए बी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस एट बी सी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस फोर ए सी, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखिए आपका फाइव और सिक्स हुआ कंप्लीट, तो आपका फाइव का आंसर दे रहा है फाइव ए प्लस बी प्लस फोर सी, ठीक है, फिर ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन सी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी माइनस फोर सी बी सी माइनस ट्वेंटी सी। उसी तरह सिक्स नंबर है आपका ए प्लस टू बी प्लस फोर सी, फिर वन यहाँ पे क्या है, हाँ ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस एट बी सी माइनस फोर सी ए या फिर ए सी। उसी तरह देखिए आप सेवन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेस बचा हुआ है तो सेवन नंबर आपका क्वेश्चन है, सेवन नंबर ध्यान दीजिए, सेवन नंबर आपका उसी टाइप का है। तो देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वन प्लस बी क्यू प्लस एट सी क्यू माइनस सिक्स बी सी, ये आपका क्वेश्चन है कितना नंबर, सेवन नंबर। तो चलिए देखिए सेवन नंबर किस तरह से, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, पहले तीन नंबर का क्यूब आपको दिखेगा, ठीक है, तीन नंबर का आपका क्यूब दिखेगा। तो पहले देखिए वन भी किसी का क्यूब है कि नहीं, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे वन का क्यूब भी वन ही होता है, तो यहाँ पे हो गया आपका वन किसका क्यूब, वन का, पहले आपको फैक्टराइज कर लेना, उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करना, डायरेक्ट आप वन बी एट नहीं पुट कर सकते, ठीक है, जो फैक्टराइज हो रहा था फैक्टराइज कर लीजिए। तो आपका हो गया वन का क्यूब प्लस बी किसका क्यूब है, बी का ही क्यूब है, ठीक है, प्लस एट किसका क्यूब है टू, और सी क्यूब किसका है सी, तो ये आपका हो गया टू सी क्यूब। फिर माइनस थ्री फॉर्मूला से ए बी सी, तो ए के जगह आपका क्या है वन है, इंटू बी के जगह आपका बी है, और इंटू सी के जगह पे आपका टू सी है, गुना करके देखिए थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, बी सी माइनस में है, तो इतना के इक्वल फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड का एड, तो फर्स्ट में क्या है आपका वन प्लस सेकंड में आपका बी प्लस थर्ड है ना, थर्ड में आपका टू सी है, तो ये आपका वन प्लस बी प्लस टू सी। फिर बोलता है इस तीनों को हॉल स्क्वायर भी करिए, तो क्या कीजिए एक्स स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस मतलब टू सी का हॉल स्क्वायर। फिर माइनस एक्स वाई, एक्स वाई मतलब फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल, तो फर्स्ट में आपका वन है और सेकंड में आपका बी है। फिर माइनस वाई जेड, वाई जेड मतलब सेकंड और थर्ड, तो बी इंटू टू सी। फिर माइनस जेड एक्स, जेड एक्स मतलब लास्ट और फर्स्ट, और लास्ट में आपका टू सी है और इंटू फर्स्ट में आपका वन है, तो ये आपका हो गया वन प्लस बी प्लस टू सी, ये आपका वन का स्क्वायर वन प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू सी का स्क्वायर फोर सी स्क्वायर माइनस। अब इसका देखिए, इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन में बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस बी, फिर माइनस बी में टू सी से जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस टू बी सी, फिर माइनस टू सी में वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू सी, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।